मनु जी के वंश में 5 संतान हुई, 3 पुत्री 2 पुत्र। पुत्र है प्रियव्रत उतानपाद, पुत्रियां मनु और शत्रुपा की आकृति प्रसूति देवहूति। प्रियव्रत और उतानपाद, उतानपाद मनु के पुत्र हैं। बहन बेटियां बड़ी हैं, आकृति प्रसूति देवहूति। आकृति जी का विवाह हुआ मरीच ऋषि के साथ, वो भी मनु ही थे, और देवहूति का विवाह हुआ ऋषि करदम के साथ, वो भी मनु थे। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष जी के साथ, दक्ष प्रजापति। आकृति जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। देवहूति माता ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। प्रसूति माता ने 5,100 बच्चों को जन्म दिया पुत्र के रूप में। नारद जी के उपदेश के कारण दक्ष प्रजापति के 5,100 बच्चे सन्यासी हो गए, सबके सब सन्यासी हो गए, सबके सब तपस्वी, एक भी गृहस्थ में नहीं गया। नारद जी ने उनके बच्चों को यह ज्ञान दिया जंगल में, प्राचीन काल में जिस समय की यह कथा चल रही है, उस समय प्रत्येक बच्चा प्रत्येक मनुष्य पैदा होकर जंगल में जाकर पहले तप करता था, बचपन से जवानी तक तप, और तप के बाद गृहस्थ में जाना कि नहीं जाना वो आचार्य फिक्स करते, गुरुजी फिक्स करते, नहीं जाना है तो गुरुजी बोलते और जाना है तो गुरुजी बोलते। आदमी की खुद की इच्छा से गृहस्थ नहीं होता था पहले, और इसीलिए आज खुद की इच्छा से भी होता है तो भी पंडित जी को पूछते हैं लोग, परंपरा है छोटी मोटी, पंडित जी को पूछो, ज्ञानी मानते पंडित जी को, पंडित जी बताओ कैसी जोड़ी होगी, पंडित जी गुण मिलाओ, पंडित जी मुहूर्त बताओ, पंडित जी पत्रा देखो, पंडित जी ये देखो। ये खाली झूठी मूठी पत्रिका, झूठी मूठी बातें, झूठी मूठी परंपराएं वो पंडित जी हमारे चला रहे हैं और हम मान्यता दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं, इससे ज्यादा मान्यता पहले थी। पहले तो विवाह होगा कि नहीं ये गुरु निश्चित करते थे, आचार्य निश्चित करते थे, ये कन्या ये पुरुष विवाह के योग्य है या नहीं है, विवाह के योग्य है। आजकल कोई पंडित जी को ये पूछता है कि ये विवाह के योग्य है कि नहीं है? नहीं। कितने गुण मिल रहे, कितने गुण, शुभ मुहूर्त। पांडाल में जितने लोग हैं इनमें से 10-20 को छोड़ के सबने शुभ मुहूर्त में विवाह किया है, है? और शुभ मुहूर्त में विवाह होने के बाद क्या हाल है घर में, पांडाल में बताने की जरूरत नहीं है, मन ही मन सोचना है कि हाल क्या है, है? कई पति ये कहते हैं कि ऐसी औरत से तो मैं हमेशा हमेशा के लिए, हाँ। और कुछ माताएं बहनें भी ऐसा कहती हैं कि तुम्हारे जैसे पति से अच्छा तो मैं कुंवारी मर जाती। और ये शब्दावली तो तब है जब मुहूर्त शुभ है शादी का, गांव के जाने माने पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के तब है ये हाल। लंबे समय चले जाओ, पहले चले जाओ, त्रेता युग में चले जाओ, गुरु जी की आज्ञा से विवाह हो रहा है। योग्यता, विद्या, विद्या और ब्रह्मचर्य में निपुण होने के बाद विवाह संस्कार का नियम है। जिस कन्या में, जिस पुरुष में
विद्या और ब्रह्मचर्य पूर्णतः संपन्न है उनका विवाह होना चाहिए, उनसे ही उत्तम संतान का निर्माण होता है, ऐसा ही शास्त्र है, ऐसा विज्ञान भी है, विज्ञान भी ऐसा ही है। अस्वस्थ पिता अस्वस्थ माता स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। वैचारिक स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता, बौद्धिक स्वस्थता, आत्मिक स्वस्थता, आर्थिक स्वस्थता, ये सभी चाहिए। पति के पास में धन बल चाहिए, बॉडी का बल चाहिए नहीं, धन बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल, विवेक बल, और ऐसा बल होने से अच्छी पत्नी का सौभाग्य खिलता है। उतानपाद के घर में दो पत्नी आई, सुनीति सुरुचि। सुरुचि शौख मौज वाली थी और सुनीति सादा सिंपल, पर व्रत उपवास, एकादशी, द्वादशी, सोमवार, पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्दशी, इन सारे नियमों को पालने वाली औरत सुनीति। सुरुचि ने उतानपाद का वंश आगे बढ़ाया, बच्चे हुए। उतानपाद के यहां बच्चे नहीं थे तो दूसरी शादी सुरुचि से हुई। सुरुचि बहुत शौक मौज वाली सुंदरी, हर समय टिप टॉप रखती, हमेशा अपने आप को इतनी सजावट में रखती कि आकर्षित रहे पुरुष, हमेशा पुरुष मुड़ मुड़ के देखे, मुड़ मुड़ के देखे, मुड़ मुड़ के देखे सुरुचि। और सुनीति, सुनीति का काम ऐसा था कि बस पानी से नहाओ, कपड़े पहनो और भजन करो, और पानी से नहा के कपड़े पहन के जो भजन करे उस पर ध्यान नहीं जाता किसी का ज्यादा। ये ध्यान कर लो आप, जो ज्यादा ध्यान कर रहा है उस पर ध्यान नहीं जाता किसी का, जो ध्यान करता ही नहीं है उस पर सबका ध्यान जाता है। सुरुचि श्रृंगारवादी, शरीर को महत्व देने वाली सुरुचि, और सुरुचि में सुरुचि हो गई राजा की, राजा बड़ा प्रेमी हो गया सुरुचि का। उम्र में भी कम थी वो राजा से, तो राजा बहुत प्रेमी हो गया। सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ पुत्र के रूप में, और जैसे ही उत्तम का जन्म हुआ तो भाग्य से सुनीति को भी पुत्र का जन्म हुआ। यह बलिदान का जन्म है। सुनीति ने अपना पति सुरुचि को दे दिया था। उतानपाद राजा दूसरा विवाह नहीं कर रहे थे, पर सुनीति ने करवाया, कहा आप महान राजा हैं, आपके गर्भ से, आपके अंश से अगर कोई औलाद होगी तो इस देश को एक होनहार बालक मिलेगा, कल्याण करेगा समाज का, आप अवश्य विवाह करो और आप संतान दो, समाज को, राष्ट्र दो, राष्ट्र की उन्नति करो। तो राजा ने सुनीति के कहने से विवाह किया था सुरुचि से, पर बाद में जब सुरुचि आई तो सुनीति को बाहर घर के महल के बाहर कमरा दे दिया और वो सुरुचि के साथ निवास करते हैं। तो सुरुचि को हुआ, राजा सुनीति से भी बोलते चलते तो उनको भी पुत्र हुआ, पर दोनों में फर्क है। सुरुचि के साथ में 9 महीने गर्भ में भोग और विलास की क्रिया बंद नहीं हुई, बच्चा तब भी उत्तम पैदा हुआ, संतान अच्छी पैदा हुई। सुनीति गर्भ धारण करने के बाद में बाहर, तो फिर बाहर हो गई। 9 महीने तप किया सुनीति ने, भगवान का भजन किया, सेवा की, उसके अर्थ से ध्रुव पैदा हुए। बच्चे दोनों बड़े हुए, ध्रुव 3 से 4 साल के हो गए, तो ध्रुव समझने लगे कि पिता क्या होता है, मां क्या होती है। तो आज अपनी मां के गोद में बैठकर आंचल से खेल रहे थे, तभी पूछ लिया, मां मैं पिताजी को जानना चाहता हूं, पिताजी कहां है, मैंने कभी पिताजी को नहीं देखा। उत्तम का कितना भाग्य अच्छा है, उसके तो मां भी है और पिताजी भी है। उत्तम मां की गोद में खेलता है और पिता की गोद में खेलता है,
मेरा कैसा दुर्भाग्य है, मैं हमेशा तुम्हें तंग करता रहता हूं, मुझे कभी पिता की गोद नहीं मिली। माता सुनीति ने सच्चे भाव से कहा, पुत्र ये जो उत्तम के पिता हैं वही तुम्हारे पिता हैं, मैं उनकी ही बड़ी पत्नी हूं। तुम्हारे दिल में आज पिता की गोद में बैठने का भाव है तो जाओ, चले जाओ, तुम्हारे पिता अच्छे, और तुम पहली बार जाओगे तो पिता हंस के तुम्हें गोद में लेंगे। जाओ, महाराज इस समय सिंहासन पर विराजमान होंगे, समय है, चले जाइए। और राजा उत्तानपान सिंहासन पर ही बैठे थे, बगल में सुरुचि महारानी बैठी थी, उत्तानपाद राजा की गोद में उत्तम खेल रहे थे। और जैसे ही ध्रुव का आगमन हुआ, प्रणाम किया ध्रुव ने माता पिता को, और ध्रुव ने प्रार्थना की, पिताश्री माताजी ने मुझे कहा कि आप मेरे पिता हैं, मुझे आपकी गोद में बैठना है। उत्तानपाद राजा गदगद हो गए आज ध्रुव को सुनकर के, आओ पुत्र आओ आओ आओ। सुरुचि लो, उत्तम को लो, तुम्हारी गोद में उत्तम को पकड़ो, आज सुनीति का पुत्र आया है, 4 साल बाद मैं उसको गोद में लेना चाहता हूं। सुरुचि ने रोक दिया, नहीं, मेरे पुत्र को आपकी गोद से नहीं उतारना। ये सुनीति का पुत्र नहीं बैठेगा आपकी गोद में। राजा ने समझाया, अरे बालक है सुरुचि, सुनीति से ईर्ष्या करो, बालक से मत करो, ये बालक तो मेरा भी है और बालक भगवान का रूप है, उससे क्या दुश्मनी क्या ईर्ष्या, अरे 2 मिनट मेरी गोद में बैठेगा चला जाएगा, तेरा बालक जिंदगी भर बैठे मेरी गोद में, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर 2 मिनट उसके बच्चे को बैठने दो। नहीं, उत्तानपाद राजा से बहस नहीं कर रही सुरुचि, सीधा ध्रुव से कहा, जाओ, तुम्हें राजा की गोद में बैठना है ना, जाओ जंगल में, जाओ जंगल में जाके भजन करो, और भजन से नारायण प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, तो तुम उनसे प्रार्थना करना कि मुझे मौत दे दो, और मौत के बाद में मुझे सुरुचि के गर्भ से पैदा कर दो, तब तुम इसकी गोद में बैठोगे राजा की, मैं उससे पहले नहीं बैठोगे, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तुम कामवाली के बेटे हो, दासी के बेटे हो, तुम राजकुमारी महारानी के नहीं हो, जाओ 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 जाओ। ध्रुव करुणा से भर गया, ध्रुव आंसू आ गए, रोते हुए अपनी मां के पास पहुंचा, अपनी मां को बताया, सुनीति रोने लगी हिलकियां मार मार के। सुनीति समझ गई कि आज मौका है, अगर आज मैं माया में मोह में पड़ जाऊंगी तो मेरा बच्चा जिंदगी भर भिखारी रहेगा, क्योंकि 4 साल के बच्चे को गोद तक नसीब नहीं पिता की, तो इसे राज्य नहीं मिलेगा, गद्दी नहीं मिलेगी, बंटवारा नहीं मिलेगा, इसे कुछ नहीं मिलेगा, और इसको नाम तक नहीं मिलेगा, तो यह बच्चा कहां जाएगा। आज अवसर है कि ऐसे समय में बच्चे को सच्चे पिता से मिलवाने का, सच्चे परमात्मा से। अरे बालक, मैं जान गई, मैंने तुझसे झूठ कहा, ये जो महाराज है ना, ये तुम्हारे झूठे पिता है, ये सच्चे पिता नहीं है, तुम्हारा सच्चा पिता तो मेरे गर्भ में तुम्हें डाल के चला गया जंगल में, अगर जाना है पिता की गोद में तो जंगल में जाओ, और तुम्हारे पिता का नाम गोविंद है, तुम्हारे पिता का नाम नारायण है, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो वो सच्चा पिता है तुम्हारा, वही मेरा सच्चा पति है, वही तुम्हें गोद में बिठाएगा, वहां से तुम्हें कभी कोई दुदकारेगा नहीं, फटकारेगा नहीं। मैंने कहा ना, मां स्कूल होती है, 4 साल के बच्चे की मां गुरु बन गई, और मां ने जो कहा बच्चे ने वही माना। बच्चा रो बिलख रहा है पर मां की आज्ञा से जा रहा है। सुनीति छत पर रो रही है, बच्चा मार्ग में रो रहा है। सूर्य अस्त हो गया, जंगल में पहुंचते पहुंचते आवाज आने लगी अनेक प्रकार की, जंगल में बच्चा व्यथित होने लग गया, घबराने लग गया, डरने लग गया, और बच्चे को एक ही नाम याद था बचपन से, वो मां। सिंह चीखे,
गीदड़ भभके, गीदड़ चिल्ला रहे, कुत्ते चिंगा रहे, अलग अलग आवाज, बच्चा डरता जाए, रोता जाए और माँ ही माँ चिल्लाता जाए माँ। ऐसा योग आया कि सामने से जिस मार्ग से जा रहे थे ध्रुव जी, उसी मार्ग से संत नारद आ रहे थे। श्री नारद जी ने उस बालक को अकेला देखा, रोते बिलखते माँ माँ। नारद जी ने उस बच्चे को आगे से रोक लिया, बच्चे को हाथ पकड़ लिया, बच्चे के माथे पर हाथ फिराया, कहा बालक ए बत्स, घबराओ मत, डरो मत, मैं संत, मैं नारद, मैं तुम्हारे घर ले जाऊंगा तुमको। अरे इतनी रात गई, कौन सी माँ है, कौन सा पिता है जिसने तुम्हें जंगल में भेज दिया है, क्यों? बालक ने कहा नारद जी, मेरी माँ ने कहा है कि मेरे पिता खो गए हैं और वो जंगल में है, मैं उन्हें ढूंढने आया हूं, माता ने मुझे आज्ञा की है। कौन, क्या नाम है तुम्हारे पिता का? तो ध्रुव ने कहा मेरे पिता का नाम गोविंद है, मेरे पिता का नाम नारायण है, मेरे पिता का नाम हरि है, मेरे पिता का नाम कृष्ण है। नारद जी कहने लगे बालक, ये जो तुम्हारे नाम पिता के हैं ना, ये पिता नहीं मिलेगा तुमको, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े जटाधारी थक गए इस पिता को ढूंढ ढूंढ कर, ये पिता नहीं मिला, और तुम 4 साल के बालक हो, आगे जाओगे शेर खा जाएगा, और आगे गए को उठा के ले जाएगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी, जाओ जाओ लौट जाओ, लौट जाओ, चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी माँ को डांटूंगा, दूध मुहे बच्चे को इस तरह जंगल में भेजते। बालक लौटता नहीं, नारद जी से कहता नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी माँ की आज्ञा है, जब तक पिता नहीं मिलेगा मैं नहीं लौटूंगा, पिता को बिना पाए नहीं जाऊंगा। अब तो नारद का भाग्य खुल गया, नारद ने यह समझ लिया कि मटका बिल्कुल पक्का है। नारद ने ठोका बजाया, डराया, धमकाया, आगे चोर मिलेंगे, आगे शेर मिलेगा, आगे बिच्छू मिलेंगे, आगे सांप मिलेंगे, तुझे डस लेंगे, तुझे खा लेंगे। बालक नहीं घबराया, बालक नहीं चकमक हुआ, नारद जी समझ गए ये सच्ची खोज में निकला है। और जो मतवाला होके सच्ची खोज में निकलता है, जिसे दुनिया का कोई भी भय नहीं सताता, जब भगवान के लिए निकल पड़ता है, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, तब उसकी मदद करने के लिए भगवान स्वयं चले आते, नारद के रूप में, मां के रूप में, पिता के रूप में। नारद जी ने मंत्र दे दिया बंधुओं, दीक्षा दे दी बच्चे को, और नारद जी ने कहा कि इसी मंत्र को जपते जपते जाओ, सीधे चले जाओ, बस थोड़ी सी दूर जाओगे, जमुना महारानी मिलेंगी तुमको, लाल साड़ी में पहने खड़ी मिलेंगी, उनके चरण छूना और उनसे कहना कि मैं भगवान हरि से मिलने आया हूं, कृष्ण से, मुझे अपने आंचल में बिठा लो और मुझे उनसे, पिताजी से मिलवा दो, और ये मंत्र लेके जाओ, इसे जपते जाओ, इसे भूल मत जाना। बालक ध्रुव को नारद जी ने जो मंत्र दिया, उस मंत्र को जपते 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 वो यमुना तट वृंदावन पहुंच गए, मधुबन में यमुना जी मिली, प्रणाम किया, अन्न का त्याग कर दिया बालक ने। भाई 5 साल के बच्चे को इतनी अकल कहां से आई? नारद ने बताया था कि जाके यमुना जी को मिलके जल पी के अन्न मत खाना और बैठ जाना आसन पे और यही मंत्र जपते रहना। पांच वर्ष का बच्चा गुरु की आज्ञा को इस तरह पालन करता है। एरी ध्रुव बैठ गए मधुबन में, लौ लग गई हरी भजन में, ओरी ध्रुव बैठ गए मधुबन में, लौ लग गई हरी भजन में, हाँ ध्रुव बैठ गए मधुबन में,
नो लग गई हरि भजन में, हरि ध्रुव बैठ गए मधुबन में, नो लग गई हरि भजन में, ध्रुव बैठ गए मधुबन में, लो लग गई हरि भजन में। ध्रुव जी ने कैसे भक्ति की, वही नियम हम सबको मानना है। 6 महीने में ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ, हमें भी हो सकता है आपको भी। ध्रुव जी ने सबसे पहले आहार का त्याग किया। अपान दस्तवेदम न पुरुषो न धीमे, आहार का त्याग करने से अपान उदान समान प्राण व्यान ये 5 प्राण जो हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। और जब प्राण शुद्ध हो जाते हैं तो शरीर में गैस नहीं बनती, अफरा नहीं बनता, डकार नहीं आती, ये भी भजन में ध्यान में बाधा है। इसीलिए जिनको भी भजन प्रिय है उनको भोजन कम करना चाहिए, जिनको भजन प्रिय है उनको बादी का नहीं खाना चाहिए, बादी का। जिनको भजन प्रिय है उनको ऐसा भोजन करना चाहिए जो शीघ्र पच जाए। शीघ्र पचने वाला भोजन क्या है? संतरा। संतरा घट में घटक पच गया, घटक पच गया, गले से नीचे उतरते से ही पच जाता है संतरा। अर्थात 1-2 महीने फल पर रहकर भजन करो। ध्रुव जी ने वही किया, 1.5 महीने फल पर रहे, भजन करते रहे, अन्न तो छोड़ ही दिया। 1.5 महीने पूरे होने के बाद में फल छोड़ दिए, अब वृक्षों की कुछ पत्तियां खाते हैं, भजन करते हैं। 1.5 महीना निकल गया, 2.5 महीने का भजन हो गया, पत्तियां छोड़ दी, धरती के नीचे से जड़ उखाड़ते हैं और एक बार में जितनी जड़ कट जाए उतनी खाते हैं और भजन करते हैं। आपके लिए बता रहा हूं यह ध्रुव की कथा। जिनको भी व्रत करना है, उपास करना है, वो धीरे धीरे अभ्यास बनाओ। तुम क्या करते हैं? अचानक एकादशी पकड़ लेते, अचानक कल 4-5 रोटी खाई आलू के साग से रात में और सवेरे एकादशी पकड़ ली, ऐसे नहीं पकड़ो। 1 हफ्ता धीरे धीरे अभ्यास करो, पहले रोटियां छोड़ो, सब्जियां छोड़ो, दाल छोड़ो, उसके बाद थोड़ा फल खाओ, दसवीं को, नौवीं को और एकादशी को फिर व्रत करो। आपको बिना तकलीफ के व्रत हो जाएगा पूरा। तुम्हारा व्रत कैसा हो रहा है? 10वीं को ठूस ठूस के भर लिया और एकादशी पकड़ ली, इसीलिए फिर भूख लगे 12 बजे से, भूख लगने लग जाए 12 बजे से, और 12 बजे भूख लगे तो एकादशी गई वहां भगवान के पास में, आंधे उबले भय आलू, दे आलू काली मिर्ची डाल के, दे आलू, दे सिंघाड़े को आटो, दे पकौड़ा, एकादशी हो गई, मिल गए भगवान। एक बार हाथ ऊपर करके दिखाओ कितने लोग आए। अरे पीछे वालों हाथ ऊपर कर लो, पीछे बैठे हो तो गुस्सा मत करो, आगे आ जाओ।
बैठ गए मधुबन में, लौ लग गई हरि भजन में, हरि प्रभु बैठ गए मधुबन में, लौ लग गई हरि भजन में, हरि ध्रुव बैठ गए मधुबन में, लौ लग गई हरि भजन में, हेरी लो लग गई हरि भजन में, हाँ जी लो लग गई हरि भजन में। बोलिए भक्त भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, यजमान परिवार की जय हो, जय जय श्री राधे। छठवें महीने में ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया था, प्राणांत युक्तां भवते च योगः, चित्त की वृत्ति का निरोध कर दिया। महर्षि पतंजलि यही कहते हैं, चित्त की वृत्ति का निरोध। महर्षि पतंजलि का सूत्र है ये। सारे देवता मिलके भगवान नारायण के पास में गए, हे देव आप निष्ठुर तो नहीं हो, पर आज आपको देख के लग रहा है कि आप निष्ठुर हो गए हो, पत्थर दिल हो गए हो। भगवान विष्णु ने कहा देवताओं से, क्यों? तो कहा प्रभु, एक छोटा सा बच्चा जमुना जी के किनारे मधुबन में प्राण देने को बैठा है, एक पल में, दो पल में, दिन में, आधे दिन में मौत हो सकती है उसकी, आपके पागल हुआ रखा है, खाना पीना सब छोड़ दिया उसने, आपका क्या बिगड़ेगा, उसे दर्शन दे आओ। तो भगवान विष्णु देवताओं को कह रहे हैं, अरे मूर्ख देवताओं, उसे अगर मुझे दर्शन देना होता तो मैं पहले ही दिन दे देता, वो तो पवित्र भक्त है मेरा, पर ऐसा कोई भक्त जिंदगी में मुझे कभी कभी मिलता है, मेरे तो सब दुनिया दर्शन करती है, पर ऐसे भक्त का दर्शन मैं कर लूंगा तो मेरी भगवत्ता बढ़ जाएगी, ऐसा भगवान ने देवताओं को उत्तर दिया। इसका मतलब ये है कि भगवान भी भक्त की वैल्यू करते हैं, जैसे हम तड़पते हैं वैसे भगवान भी तड़पते हैं। कथा भागवत उसका प्रमाण है। गोकुल में शंकर भगवान दरवाजे पर रो रहे हैं कृष्ण जी से मिलने, और अंदर कृष्ण जी रो रहे हैं भगवान शंकर से मिलने, ये परस्पर। पर शंकर जैसी भक्ति चाहिए, ध्रुव जैसी भक्ति चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं तो उसके दर्शन करूंगा, मेरा जीवन धन्य कर लूंगा, ऐसा भक्त कहां मिलता है। बार बार स्वयं भगवान विष्णु आए मधुबन में और शंख लगाया मुंह से, कमल का फूल लगाया नेत्रों से, फूल की पंखड़ियां लगी, नेत्र खुले, भगवान सामने खड़े, शंख होठों से लगाया, मुख में से आवाज निकली, हे पिताश्री आप यहां कैसे, मैं तो आपको कब से अंदर देख रहा। बस यही कथा सीखनी है, यदंतरम तद्वयम रूपस्व वेगम, जो अंदर आप देखते हो वही बाहर दिखेगा, जो अंदर नहीं वो बाहर कभी दिखने वाला नहीं है, नहीं है वो बाहर कभी नहीं दिखेगा। है सुनिए, आप अपने होठों से और कंठ के ऊपर ऊपर कितने भी मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे बोलो, पर आपका जहर पकड़ में आएगा, आपकी चालाकी पकड़ में आ जाएगी कि आप कहां से बोल रहे हैं। और आप किसी को भले ही डांट लो, डांटने के बाद भी सामने वाला समझ जाता है कि ये दिल से नहीं डांट रहे हमको, ये तो ऐसे ही डांट रहे हैं, इनके दिल में दुनिया भर का प्रेम है हमारे लिए। यदंतरम तद्वयम, जो अंदर है वो बाहर अवश्य आएगा। कितने भी छुपाओ जीव को, मस्तिष्क को कितना भी कंट्रोल करो, पर वो अंदर वाली बात बाहर आएंगी, अंदर वाला कर्म बाहर आएगा, अंदर वाली सोच बाहर आएगी, अंदर वाला जो कुछ है वो बाहर आएगा। ध्रुव जी ने पिताश्री कहा, भगवान ने ध्रुव को गोद में ले लिया और कहा, हे पुत्र मैं ही तुम्हारा पिता हूं, तुमने जो कामना की थी वो प्राप्त हो गया तुम्हें,
मेरी गोद में आ गए हो तुम। पर हे वत्स, मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तुम मांग लो। भगवान ध्रुव कुछ नहीं मांगते, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, मुझे केवल पिता की जरूरत थी, पिता की, वो मिल गया है जी। आप लोगों को ऐसे भगवान मिल जाए नजोगढ़ के चौराहे पे तो आप क्या कहेंगे उनसे है? मान लो भगवान ने ऑफर दिया आप में से किसी को कि भाई मांग ले, क्या मांगेगा, मांग ले बेटा मांग ले, है? बताओ, मैं तो अंदर ही अंदर सोच लो कि क्या मांगेंगे। बालक ध्रुव ने कहा पिता मांगना था, पिता मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान कह रहे नहीं मांगना है, कुछ लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं। तो अंत में भगवान ने कहा नहीं लेते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं पिता हूं तुम पुत्र हो। तो शर्मा थे ध्रुव, खड़े हो गए हाथ जोड़ के, पिताश्री आप आज्ञा कीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं हे पुत्र, तुम्हारे पिता उत्तानपान इस समय बहुत बीमार हैं और वो बिना तुम्हारे दर्शन के उनकी आत्मा को कल्याण नहीं होगा। जाओ तुम घर जाओ और घर जाकर अपने पिता को दर्शन दो और उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनको उद्धार हो जाएगा, तभी उनकी आत्मा को गति मिलेगी। आज भगवान की आज्ञा पाकर ध्रुव जी घर आए और घर आकर अपने पिता उत्तानपाद के दर्शन किए। तब उत्तानपाद को लकवा हो गया था, पैरालाइज हो गया था, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ अन्याय करने से उन्हें दंड मिला था, उसके कारण पितृ प्रायश्चित के आंसू बह रहे थे, रो रहा था उत्तानपाद राजा, घबरा घबरा कर परेशान था कि एक बार मेरा पुत्र ध्रुव आकर मुझे माफ कर दे, फिर मैं प्राण त्याग दूंगा। ध्रुव के दर्शन मात्र से उत्तानपाद राजा के सारे पाप दूर हो गए और पुत्र की भक्ति से पिता का उद्धार हो गया, उन्हें भगवान विष्णु का लोक प्राप्त हुआ पुत्र की वजह से। इसीलिए मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कथा में कि पिताजी कभी कभी कर्म ना संभाल पाए तो पुत्र भी कर सकता है पिता का कल्याण, माँ का कल्याण, कुल का कल्याण, खानदान का कल्याण। पुत्री भी कल्याण कर सकती है पिता माता का, केवल पुत्र नहीं पुत्री भी कर सकती है। पर लक्षण होने चाहिए पुत्री में ध्रुव जैसे, ध्रुव जैसे। छह महीने की भक्ति का दर्शन करके पिता तर गया। अब आप कथा को इस तरह भी समझ सकते हैं, जो समाज में कुछ अच्छे सच्चे भक्त हैं उनके दर्शन से भी हमारे काम बन जाते हैं। आप कोई अच्छा संत नहीं दिख रहा, अच्छा कोई महात्मा नहीं दिख रहा, तो छोटे मोटे जो भगत जी टाइप रहते हैं उनमें से ही थोड़ा सा अच्छे वाले को ढूंढ लो, उसको ही प्रणाम कर लो, भगत जी राम राम, इतने में ही बहुत सारी आशीर्वाद हो जाते हैं। परमात्मा का भजन करने वाले व्यक्ति के पास में ऊर्जा होती है, वो जिधर देख लेता है उधर पॉजिटिव हो जाता है, उधर अच्छा होने लगता है, वो जिधर से नजर फेर ले उधर खराब होने लगता है। भक्ति में इतना पावर होता है हमारा, जिनके पास सच्ची भक्ति, जिनके पास सच्ची साधना है, वो जहां खड़े हो जाए वहीं पर मंगल कर देते हैं और जहां से पैर हटा लें वहीं शमशान हो जाता है। आपके पैर में भी वो बरकत आनी चाहिए, आपकी छाया में भी माया जुड़नी चाहिए। आपके आ जाने से बाहर नहीं आती, आपके जाने से शोक नहीं होता, तो जीने का फायदा क्या, क्या फायदा इंसान बनने का? आपके आने से बाहर आ जाए, आपके चले जाने से चमन सूख जाए हृदय का, तब तो मनुष्य बनने का फायदा है। ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ कमाओ। क्या कमाए महाराज? भजन ही कर लो और कुछ मत करो, तो खाली भजन कर लो। है कितना भजन कर ले महाराज, अंदाज लगाओ। ज्यादा मत करो, चलो एक घंटा सुबह एक घंटा शाम को केवल नाम जाप कर लो, बाकी पूजा पाठ अगरबत्ती को रख दो अलमारी में, कुछ मत करो आडंबर, केवल नाम जाप सुबह एक घंटा शाम को एक घंटा। ऐसा करने से अगले छह महीने के बाद हमसे मिल लेना, फिर देख लेना तुम अपने आप चिल्लाते फिरोगे महाराज बड़ा मजा आया, बड़ा फायदा हुआ, बड़ा फायदा हुआ, बड़ा फायदा हुआ महाराज। है अरे खाली पैर छूके आशीर्वाद यूं करके ही फायदा हो जाता है, नाम जपने का तो अद्भुत फायदा है। छह महीने में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा ऐसा मान लेंगे तो
एक घंटा सुबह एक घंटा शाम को है, इनमें से कई लोग तो आधा घंटा ब्रश करने में ही निकाल देते हैं, घूम घूम के है ओटे के ऊपर थूक आए, बैठ गए खरंजा पे थूक दियो, फिर अंदर गए बेसिंग में थूक दियो, पूरी छत से लेके पूरे पर राउंड मार रहा ब्रश करते करते। अरे बावड़े एक मिनट में कर करा के फ्री कर दे, इतनी देर में राम नाम जप लेना कोने में बैठ के, क्या ब्रश के पीछे पड़ो प्लास्टिक के, बताओ। बड़ा कठिन लोग घंटों ब्रश करते रहते। अच्छा ब्रश करते करते कई लोग बतराते भी रहते पड़ोसियों से, बगल में ले गया, कहाँ गए थे तुम, दिखे नहीं दो दिन से, किधर थे, आज ही रात में आए क्या, हाँ भैया आज ही आए, ये हाल है और ब्रश चल रहे हैं। ऐसा ढोंग नहीं कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए, समय बहुत महंगा है, समय अगर चला गया तो लौट के दोबारा कभी आता नहीं है, नहीं है। दुनिया बदलेगी पर समय नहीं आएगा दोबारा, इसीलिए समय पर खड़े हो जाइए, खुद को खड़ा कर लीजिए। ध्रुव जी का विवाह हुआ, भगवान विष्णु ने ध्रुव जी को गीता का ज्ञान दिया, विवाह करवाया, ध्रुव जी के पुत्र हुए और ध्रुव जी ने अपने भ्राता उत्तम के साथ में युद्ध लड़ा प्रचेताओं से। युद्ध में उत्तम का मरण हुआ, उत्तम मरे, शहीद हुए। ध्रुव जी ने राज्य संभाला और जब ध्रुव जी बूढ़े होने पर आए तो ध्रुव जी ने गृह त्याग करके हरिद्वार में जाकर के इन गंगा जी के तट पे आसन जमाया। जैसे ही गंगा जी के तट पे आसन जमाया वहां सीधे भगवान विष्णु का विमान ध्रुव जी को लेने आया। जीवित भगवान ध्रुव जी को लेके चले गए केदारनाथ अमरनाथ। ये है भक्ति का फल, भक्ति करने वाले को मरना नहीं पड़ता, बिना मरे ही मुक्ति हो जाती है, बिन मरे वैकुंठ मिल जाता है।